एडवांटा यूपीएल समूह की बीज कंपनी है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी होने के साथ साथ विश्व की पांचवी सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी भी है। एडवांटा अपनी तरह की पहली कंपनी है विश्व भर में, जिसकी पहचान है और वो उच्च क्वालिटी के बीच अत्याधुनिक नवीन तकनीकों द्वारा किसानों की सेवा करती है। एडवांटा बीज कंपनी की विश्व में 66 से अधिक देशों में उपस्थिति है और 18 तकनीकी और बायोटेक सेंटर हैं। एडवांटा किसानों की खुशहाली में भागीदार है, किसानों की जरूरतों को समझता है तथा सर्वप्रथम किसान के सिद्धांत के साथ काम करता है। एडवांटा चारा, धान, मक्का, सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा, गोभी, सरसों सब्जियों के बीज के द्वारा किसान समुदाय की विश्व स्तर पर कई दशकों से सेवारत है। एडवांटा भारत में हाइब्रिड धान प्रोग्राम चलाने वाली प्रथम गिनी चुनी कंपनियों में से एक है। एडवांटा का हाइब्रिड धान किसानों की हर जरूरत को संबोधित करता है। जल्दी पकने की अवधि, मध्यम पकने की अवधि और मध्यम देरी से पकने की अवधि। एडवांटा डेयरी के किसानों के लिए पशु पोषण समाधान प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। एडवांटा का चारा उत्पाद पोषण संबंधी लाभ के साथ साथ उच्च बायोमास देता है। एडवांटा भारत में सब्जी के बीज प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी है। एडवांटा भिंडी और मटर के बीज उत्पादन में प्रमुख स्थान पर है। एडवांटा का हाइब्रिड मक्का उच्च शेलिंग प्रतिशत और अधिकतम उपज देने में समर्थ है। आकर्षक नारंगी रंग जो बाजार में ऊंची कीमत दिलाता है। एडवांटा अच्छी पैदावार वाले मक्का हाइब्रिड के विकास में सबसे आगे है, जिसकी खास विशेषताएं हैं अधिक शेलिंग प्रतिशत, आकर्षक नारंगी दाने अधिक वजन के साथ, रोग और पानी की कमी के प्रति सहनशीलता। मक्का भारत में 8.25 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर उगाया जाता है। ये प्रमुख रूप से खरीफ फसल है और वर्षा ऋतु के दौरान मक्का की खेती 85% क्षेत्र पर लगाई जाती है। मक्का भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। दूसरी फसलों की तुलना में किसान अच्छे लाभ की वजह से मक्का की खेती की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। मक्का कई भौगोलिक और तरह तरह की मौसमी परिस्थितियों में उगाया जाता है। मक्का के किसान आमतौर पर मक्का की खेती में इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं: असमान अंकुरण, कम पौधों की आबादी, असमान भुट्टे का आकार, कमजोर प्रारंभिक विकास और कमजोर पौधे। एडवांटा विस्तृत खोज के द्वारा PAC 751 इलीट हाइब्रिड मक्का बीज लेकर आई है। PAC 751 इलीट ने किसानों की समस्याओं का सफलतापूर्वक निदान किया है और इसके फलस्वरूप एक समान अंकुरण और पौधे में अधिक ताकत, मजबूत तना और जड़ का विकास, जिससे पौधा गिरता नहीं है, एक समान भुट्टे और पूरी तरह दानों का भराव, आकर्षक नारंगी रंग के दाने, दाने का अधिक वजन, उच्च शेलिंग प्रतिशत यानी 83% से 84% तक, अधिक उपज, ज्यादा मुनाफा। PAC 751 इलीट के इन विशेष गुणों की वजह से किसानों को अधिकतम उपज और अच्छा मूल्य मिलता है। मेरा नाम जुगल किशोर है, मैं बेलगांव के रहने वाला हूँ। मतलब पूरे खेत में, मतलब 10-12 एकड़ जमीन में पूरे में 753 लगाया। उसके बाद में 51 आई थी, 751 बोला जैसे, मतलब एलाइट आई थी 751 एलाइट, उसका वो मका भी लगाया और डेमो भी लगाया एक पैकेट। पहले मका मैं 18 इंच पे लगाता था, 18 इंच पे एक फिट पे लगाता था, मतलब उसकी कतार की दूरी। उसके बाद में फिर एजेंट ने बताया मेरे को कि आप 2 फिट पे लगाइए 24 इंच पे, उसके बाद में उसका मतलब एवरेज अच्छा मिलेगा, वो मिलेगा। मैंने उससे उसकी तरकीब से लगाना चालू कर दिया, 9 इंच पे लगाना, 24 इंच की कतार की दूरी। तो उससे औसत अच्छी मिली मेरे को, एवरेज भी अच्छा मिला, मक्का भी खेतों में कम लगी, फिर बीज डालने में कम लगा। एलाइट की जो पौधे हैं, एलाइट की जो बनावट है, वो सब मक्का से अच्छी है। तो बाकी आजू बाजू वाले खेत वाले ने देखे तो उनको भी अच्छी लगी, तो वो भी लगाने की सोचते हैं, मतलब कि इसको लगाना चाहिए घर को। मक्का पूरा छोर तक ऊपर तक भरा हुआ रहता है, बाकी मक्का फसल एक सी आती है, ऊपर की हाइट इसकी और भुट्टा पूरा अच्छा रहता है, बाकी के मक्के का भुट्टा खाली रहता है। तो इससे पूरा भरने कारण औसत पूरी अच्छी ज़्यादा इसकी मिलती है, बोनी से लेके
उसकी जर्मिनेशन अच्छा हुआ, अच्छे उगने के बाद में अच्छा उसका हाइट पौधे भी अच्छा दिखा, तंदुरुस्त रहा, मतलब रोग रहित रहा, कोई रोग नहीं रहा उसमें बचपन से। फिर मतलब हाइट भी अच्छी उसकी जितनी बाकी मक्के जब मक्के छोटी आई, मोटा भी आया, मतलब गिरने की शिकायत नहीं आई उसमें, गिरा भी नहीं उसमें, मतलब भुट्टे भी अच्छे आए, मार्केट में रेट भी अच्छे मिले, बाकी अपेक्षा मतलब 100-150 रुपये क्विंटल अच्छा बिका, सबसे पहले बिका मक्का औसत में, मार्केट में जितनी मक्का डाली उससे अच्छा रेट में बिकी वो, और सबसे अच्छे व्यापारी ने लिया उसको। तुलसीराम चौरजा चांदाना हनुमान जी मोहल्ला 551 जो है अच्छी मक्का है, वो वजनदार है और उत्पादन भी उसका अच्छा है, जनरेशन भी अच्छा है उसका, और हर चीज़ में वो अच्छी है, मतलब तना भी में रोग की वो नहीं है, फबुना सा ऊपर पीले रोग भी नहीं है, इससे आधार दूसरी मक्का जो है उसमें पीला रोग आता है और मक्का गिरने की शिकायत है, पर इसमें नहीं है। एडवेंटा मक्का में इसकी ये खासियत है, ये सेक्से भरती पूरी खाली रहती है, पूरा 100 दाना आता है, इससे आधार दूसरी और मक्का लगाए उसमें खाली रहती है, बहुत खाली रह जाती है, और इससे मतलब उत्पादन भी अच्छा, मेरा घर का परिवार भी अच्छा चल रहा है। इसका कलर नारंगी है और ये मतलब व्यापारी लोग जो लेते हैं इससे मतलब आधार दूसरी मक्का से इसका मतलब 150 रुपये 150 रुपये मतलब तेज ही लेते हैं। ये बेसन क्वालिटी में जाती है बढ़िया, एक नंबर मक्का है। मैंने जो मक्का 10 एकड़ में लगाया था और मेरे आजू बाजू जो किसान लोग हैं और गांव के भी हैं, तो उनको मैंने यही सलाह दिया था कि भैया इससे बढ़ के कोई मकई नहीं है, इसका उत्पादन भी अच्छा है और इसमें रोगराई आता नहीं, बाकी में दूसरे में रोगराई आते हैं, ऐसा मैंने सब किसान को बोला और आजू बाजू वाले किसानों को भी बोला। पीएससी 751 एलीट सभी मक्का की खेती करने वाले किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आया है। पीएससी 751 एलीट सभी किसानों के परिवारों का सच्चा साथी है।